Apartheid is a term which refers to the historic discrimination on the basis of skin color against the natives of southern Africa by the European colonists. Apartheid एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज़ किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को बताने के लिए, जो किस बेसिस पे हुई थी, स्किन कलर के बेसिस पे हुई थी और किन लोगों के साथ हुई थी, जो सदर्न अफ्रीका में रहते थे उन लोगों के साथ हुई थी, और ये किसने की थी, यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने. देयर वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड इन सदर्न एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका. एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चला था अपार्थेड के खिलाफ सदर्न और अदर पार्ट्स में अफ्रीका के. द की फिगर्स इन दिस स्ट्रगल वर पैट्रिक लुमुम्बा इन कॉन्गो, बिशप डेसमंड टुटू इन साउथ अफ्रीका एंड नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका. जो मेन लोग थे इस स्ट्रगल में खड़े हुए थे, जो वो कौन कौन थे, पैट्रिक लुमुम्बा कॉन्गो से, बिशप डेसमंड टुटू साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका. मंडेलाज ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉल्ड द नेशनल कॉल्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, विच लेट अ नॉन वायलेंट पॉलिटिकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट अपार्थेड एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाई गांधीज नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. मंडेला की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे क्या कहा गया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जिसने नॉन वायलेंट पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट यानी बिना किसी लड़ाई के अहिंसक, बिना किसी अहिंसक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के से अपार्थेड जो था उसका विरोध किया था. और ये जो था ANC, ये किससे इंस्पायर था, जो गांधी जी ने अपना नॉन वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट किया था इंडिया में, उससे इंस्पायर्ड था ये. नेल्सन मंडेला स्पेंट 18 ईयर्स इन प्रिजन एंड एग्जाइल. जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने 19 साल जेल में और एग्जाइल में बिताए थे. In 1964, Nelson Mandela was imprisoned for his anti-apartheid leadership and he was released only in 1964 में क्या हुआ था, Nelson Mandela जो थे उन्हें कैद कर लिया गया था उनकी anti-apartheid leadership के लिए, मतलब जो उन्होंने अपार्थेड के विरोध किया था इसलिए उन्हें कैद कर लिया गया था. और उन्हें कब छोड़ा गया, 1990 में. इट वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ प्रिजनर दैट ही कंटिन्यूड टू लीड नेगोशिएशंस टू एंड अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका. और जेल में रहते रहते ही उन्होंने जो अपना ये नॉन वायलेंट पॉलिटिकल रेजिस्टेंस चलाया था अपार्थेड के खिलाफ, वो कंटिन्यू रखा ताकि जो है साउथ अफ्रीका में अपार्थेड का एंड हो जाए. द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट FW de Klerk स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड मिटिगेटेड एंटी अपार्थेड लॉज. जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे FW de Klerk, वो भी आगे आए और उन्होंने एंटी अपार्थेड लॉज को कम कर दिया. बाय द टाइम मंडेलाज इम्प्रिजनमेंट, especially his 18-year term at Robben Island, had pressured the international community to boycott the pro-apartheid government in the South Africa. और इस टाइम तक जो मंडेला कैद थे ना 18 साल के लिए रॉबिन आइलैंड में, इसकी वजह से क्या हुआ, जो जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी ना उन्हें प्रेशर में आके ही साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी जो अपार्थेड को सपोर्ट कर रही थी उसका बायकॉट करना पड़ा.
President Clark had no option but to end apartheid and conduct free and fair multiracial elections in 1994. तो जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे क्लार्क, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया और उन्हें अपार्थेड को हटाना ही पड़ा और उन्होंने 1994 में फ्री एंड फेयर मल्टीरेशियल इलेक्शन करवाए. मंडेला वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट. मंडेला को प्रेजिडेंट इलेक्ट किया गया. लेट अस रीड excerpts फ्रॉम मंडेलाज नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड ऑन 10 दिसंबर 1993 इन ओस्लो. अब नेल्सन मंडेला की स्पीच देखते हैं जो उन्होंने 10 दिसंबर को 1993 में ओस्लो में बोली थी. In this speech, Mandela not only paid tribute to other well-known civil rights activists, but also remembered the unknown millions who fought for equality. उस speech में Mandela ने सिर्फ जो बहुत ही जाने माने well-known civil rights activists थे, सिर्फ उन्हें tribute दिया, बल्कि उन्हें भी याद किया, उन बहुत करोड़ों सैकड़ों लोगों को याद किया जो इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे. लेट अस रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिज विजन फॉर अ न्यू सोसाइटी. अब और पढ़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या इच्छा थी न्यू सोसाइटी के लिए, मतलब उनका क्या देखा था.